8 मार्च 2020 ये वो दिन था जिस दिन ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था। 8 मार्च 2020 को पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक साथ सभी अखबारों में विज्ञापन जारी कर खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और जिसके बाद से ही वह चर्चा में आ गई थी। पुष्पम प्रिया चौधरी खुद को आम नेताओं से अलग बताती रही हैं। पुष्पम 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हमेशा काले कपड़ों में नजर आती थी, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि पुष्पम हमेशा काले कपड़ों में क्यों नजर आती हैं और आखिरकार एक दिन पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस राज से पर्दा हटा दिया। आम राजनेताओं की तरह पुष्पम साड़ी या कुर्ता पैजामा में चुनाव प्रचार ना कर हमेशा काले रंग की जीन्स और काले रंग के फुल स्लीव शर्ट में प्रचार के लिए निकलती थी। यहाँ तक कि उनके चप्पल और घड़ी के साथ साथ मास्क भी हमेशा काले रंग का होता था। जब पुष्पम प्रिया चौधरी से ये पूछा गया कि वह हमेशा काले कपड़े क्यों पहनती हैं, तो पुष्पम ने जवाब देने के बजाय एक सवाल ही कर दिया। पुष्पम ने कहा कि बाकी नेता सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं। पुष्पम ने इस सवाल के जवाब में आगे कहा, संविधान में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, ऐसे में जिसकी जो मर्जी हो वो उसी रंग की ड्रेस पहन सकता है। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक इंटरव्यू में खुद को नेताजी कहने पर भी एतराज जताया था। पुष्पम ने कहा था कि वह नेताजी नहीं है, वो सिर्फ पॉलिसी मेकर बनना चाहती हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी और नाम दिया था प्लूरल्स पार्टी। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार चुनाव में 2 सीटों से मैदान में उतरी थी, बांकीपुर और बिस्फी। हालांकि इतनी सुर्खियां बटोरने के बाद भी पुष्पम को दोनों ही सीटों से करारी हार झेलनी पड़ी थी। पुष्पम एक बार फिर सुर्खियों में है। 16 जुलाई को पिता व पूर्व MLC विनोद कुमार चौधरी के निधन के बाद उन्हें मुखाग्नि देने लंदन से आई थी। इसी दौरान पुष्पम ने नीतीश कुमार को चैलेंज किया है। पुष्पम ने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार को हराएंगे नहीं, मास्क नहीं हटाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।